नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जो कचरे की तरह उगता है, लेकिन यह पौधा किसी दिव्य वनस्पति से कम नहीं है। यह सभी प्रकार के पुराने से पुराने चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, रिंगबाम, छाजन, एक्जिमा, कुष्ठ रोग, सफेद दाग, सूजन, पामा, गले के रोग, माइग्रेन, डायबिटीज, मूत्र संबंधी विकार, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द जैसी और भी काफी सारी अनगिनत बीमारियों को दूर करने का विशेष औषधीय गुण रखता है, जिसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले तो हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं। यह वर्षा काल में उत्पन्न होने वाला पौधा है जो सड़कों के किनारे आप आसानी से देख सकते हैं। भरपूर मात्रा में सड़कों के किनारे ये उगाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक देखा जाता है। नदी नालों के आसपास, खाली पड़ी जमीन पर तथा जंगलों आदि में भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। काफी जगह इस पवाड़ के पत्तों की सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। यह पवाड़ का पौधा गर्मी की ऋतु में सूख जाता है और पुनः वर्षा काल में नए पौधे उत्पन्न होने लगते हैं। इस पर इस तरह के पीले रंग के सुंदर फूल लगते हैं। पवाड़ का यह पौधा झाड़ीनुमा होता है और इस पर इस तरह की फलियां लगती हैं। गर्मियों की ऋतु में ये फलियां सूख जाती हैं और यदि आप इन फलियों को तोड़ेंगे तो कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर गहरे रंग के मेथी के दाने की तरह बीज निकलते हैं, जो हूबहू मेथी के दाने ही जैसे दिखते हैं। इसका पौधा 2 से 4 फीट तक का ऊंचा हो जाता है। इसके बीज जो है खाने में कड़वे होते हैं और इन बीजों का उपयोग अधिक मात्रा में खाने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बीज अल्प मात्रा में जहरीले होते हैं। इस पवाड़ के बीजों में अल्प मात्रा में क्राइमोफोनिक नामक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से सभी तरह के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इस पवाड़ के पौधे को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। तो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं। हिंदी में इसको पवाड़, पवार, चक्रमड़, क्वाड़ और संस्कृत में चक्रमर्द, दर्दुघन, एडगज और चक्री नाम से जानते हैं। गुजराती में कुमारडियो, बंगाली में चकुंदा, नेपाली में तपेर, पंजाबी में पवार, मलयालम में चक्रमर्दकम तथा इंग्लिश में वाइल्ड सेना और इसका वनस्पतिक नाम है सेनेटोरा। अब आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार पवाड़ चरपरा, उष्ण वीर्य, सारक, हृदय के लिए पौष्टिक, श्वास, कफ प्रकोप, कुष्ठ, पामा और विषनाशक होता है। इसके बीज कुष्ठ, दांत खाज, खुजली, विसर्प और वात को दूर करने के लिए विशेष गुणकारी माने जाते हैं। इसके पत्ते कफहर, रूक्ष, लघु, शीतल और वात पित्त प्रकोप हर होते हैं। तो चलिए अब इस पवाड़ के पौधे के काफी सारे औषधीय गुण और उसके औषधीय प्रयोग जानते हैं, जिससे आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है और अपनी डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है तो पवाड़ की जड़ का काढ़ा बनाकर रोज पीने से उसके लिए एक रामबाण दवा साबित होगा, क्योंकि पवाड़ की जड़ में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। या फिर इसकी जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह सेवन करने से आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगी। दूसरे प्रयोगों की बात करें तो चलिए अब हम आपको दूसरी बातें बता देते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पवाड़ सभी प्रकार के चर्म रोगों को ठीक करता है, तो चर्म रोगों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग है कि इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाई जाए। इसके पत्तों की साग बनाकर खाने से चर्म रोग तो दूर होते ही हैं। यह आपके खून को साफ करता है तथा पेट संबंधी विकारों को भी दूर करता है। काफी सारे लोगों को फोड़े फुंसियां हो जाते हैं और जब फोड़ा बड़ा हो जाता है और वह पक जाता है तो बहुत ही दर्द होता है, व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है और कभी कभी उसके कारण बुखार आ जाता है और व्यक्ति को नींद भी नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति में पवाड़ के फूलों को पीसकर चटनी की तरह बनाकर फोड़े पर लेप करते रहने से तो फोड़ा जल्दी पककर ठीक हो जाता है और व्यक्ति को राहत मिलती है। पवाड़ के फूल प्रमेह रोग को दूर करने के लिए एक रामबाण दवा है और प्रमेह को दूर करने के लिए बहुत ही आसान प्रयोग है। पवाड़ के फूल 5 से 10 ग्राम की मात्रा लेकर उसमें बराबर मात्रा में शक्कर मिलाकर रोज सुबह शाम कुछ दिनों तक खिलाते रहने से पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। मूत्र का गंदापन, पीलापन और छार जाना आदि बंद हो जाता है तथा मूत्र का रंग सुधरता है। पवाड़ के पौधे के द्वारा सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करने के लिए अब हम आपको कुछ प्रयोग बताते हैं।
पुरानी से पुरानी सभी प्रकार की दाद को दूर करने के लिए पवाड़ के बीजों को मट्ठे में गलाकर रख दें और जब उसके बीज फूल जाए तो उनको पत्थर पर पीसकर दाद वाले स्थान पर लेप कर दें और 1-1.5 घंटे के बाद गुनगुने फिटकरी वाले पानी से धो लें। ऐसा नियमित कुछ दिन तक करते रहने से आपकी दाद पूरी तरह खत्म हो जाती है। दाद को दूर करने का एक और प्रयोग है पवाड़ के पंचांग यानी कि फूल पत्ते जड़ तना सभी को अच्छे से साफ करके बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और उसमें दही मिलाकर 3-4 दिन के लिए रख दें। उसके बाद उसको उपटन की तरह दाद पर लगाते रहें और 1-2 घंटे के बाद गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा नियमित करते रहने से भी दाद पूरी तरह खत्म हो जाती है। पवाड़ के बीजों में मूली का रस मिलाकर यदि दाद पर लगाया जाए तो दाद पहले दिन से ही ठीक होने लगती है। सभी प्रकार के दाद खाज खुजली में पवाड़ के बीजों को बारीक पीस कर उसमें करंज का तेल मिलाकर लगाने से रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है। पवाड़ के बीज और पत्तों को पीस कर यदि सूजन वाले स्थान पर लगा दिया जाए तो सूजन उतर जाती है। जो लोग सफ़ेद दाग से परेशान हैं उनके लिए भी पवाड़ के बीज बहुत ही लाभकारी होते हैं। पवाड़ के बीजों के चूर्ण में माल कांगनी का तेल मिलाकर लगाने से सफ़ेद दाग ठीक होते हैं। पवाड़ के पत्तों का चूर्ण बनाकर 5-10 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह शाम लेने से रक्त की शुद्धि होती है तथा चर्म रोगों में लाभ मिलता है। शीत पित्ती रोग को दूर करने के लिए पवाड़ की जड़ का 2-3 ग्राम चूर्ण घी में मिलाकर सेवन करना चाहिए। इससे शीत पित्त ठीक हो जाता है। जो लोग हमेशा कमर दर्द से परेशान रहते हैं वह लोग पवाड़ के भुंजे हुए 2-4 ग्राम बीजों को गुड़ मिलाकर सेवन करें तो उनकी कमर दर्द की समस्या ठीक हो जाएगी। पवाड़ की जड़ का 2-5 ग्राम की मात्रा में यदि महिलाएं सेवन करें तो उनका रक्त प्रदर श्वेत प्रदर पूरी तरह ठीक हो जाता है। गंडमाला रोग को दूर करने के लिए पवाड़ की जो जड़ होती है उसका बारीक पाउडर बनाकर उसमें नींबू का रस मिलाकर गले पर लेप करने से गले के रोग ठीक हो जाते हैं। माइग्रेन यानी कि आधा सीसी के दर्द में इसके बीजों को कंजी के साथ पीसकर माथे पर लेप करते हैं तो सिरदर्द आधा सीसी जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो देखा आपने इस पवाड़ के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको उसके कुछ और फायदे बताने वाले हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस पवाड़ के पौधे के बारे में कोई ज्ञान रखते हैं तो अपना ज्ञान नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।